जुपिटर शादी में रहते हुए तुमने अपने आप को आग में जलाया। मैं सब कुछ देख रहा था, महसूस भी कर रहा था, लेकिन कभी बोला नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस आग में जलकर मेरी बेटी एक दिन कुंदन बन जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता माजी की वो गलती भी पस मंजर में चली जाएगी और फिर एक दिन मेरी बच्ची, मेरी समीन अपने लिए, मेरे लिए और सबके लिए सोना बन के उभरेगी, खरा सोना, जिसको सब लोग रश की निगाह से देखेंगे, सब उसकी कदर करेंगे, जिसकी चमक लोगों की निगाहों को खीरा कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी उम्मीद भी दम तोड़ गई और तुम्हारा हौसला भी। मैंने सिर्फ इतना जरूर किया है कि तुम्हें आग में जलकर राख होने से पहले वहां से निकाल लाया। बेटा जो जिंदगी तुमने फराज के साथ गुजारी उसका मुजरिम मैं भी हूं। मैं जानता हूं कि तुमने वो अजियत भरे दिन मेरी खातिर झेले, इसके लिए मुझे माफ कर दे बेटा। ऐसे मत कह, प्लीज ऐसे मत कह। मैंने जो कुछ भी किया अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए किया, फराज जैसे भी थे, जैसे भी हैं, उनके साथ रहते रहते मुझे उनसे मोहब्बत हो गई और यही शायद इस रिश्ते का तकाजा भी है। लेकिन उसने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की बेटा, बिल्कुल नहीं की। लेकिन तुम्हें जितना जलना था अब जल चुकी। अब नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी हो, ये घर तुम्हारा है, तुम्हें जब तक इस घर में रहना है रहो, जैसे रहना है रहो, आगे पढ़ना चाहती हो आगे पढ़ो, कोई जॉब करना चाहती हो तो भी मुझे कोई एतराज नहीं, जैसे जिंदगी गुजारना चाहती हो गुजारो। और अगर फराज तुम्हें इज्जत और एहतराम के साथ लेने आए तो उसके साथ चले जाओ, लेकिन अपनी शराइत पर। और तुम्हारी अवलीन शर्त होनी चाहिए तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा वकार। बेटा तुम मुझसे वादा करो कि अब तुम किसी चीज में पहल नहीं करोगे, जब भी करेगा वो करेगा, और उसके बाद भी तुम अपनी इज्जत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करो।